ना हो, सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। फिलहाल करेंगे ये खबर का। गृह मंत्री डॉक्टर अमित ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में नहीं शामिल होने पर कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। डॉक्टर अमित ने कहा कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। पहली बार दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया है कि पत्थर कहां से आते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार किसने दिया कि वे पूरी कौम को बदनाम करें। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पर विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ नहीं आ रहा है? पहले पुष्टिकरण की राजनीति में एक कौम को करनी चाहिए, सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपको क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में, अच्छा नहीं किया। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस नेता का बयान उनकी दृष्टि से सही हो सकता है।